हेलो वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब कुछ होंगे, छोटों का प्यार बड़ों का आशीर्वाद इसे ऊपर बनाए रखना। दोनों मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर मेरी स्पीच अच्छी लगे या मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान पर भरोसा रखें, भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद करता है। आप बहुत सी बार देखे होंगे कि महसूस भी किए होंगे आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं, उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं। उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता अल्लाह भगवान खुदा सब याद आ जाते हैं और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में आती है, आपको उस मुश्किल उस मुसीबत से निकाल देती है। सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हो और किसी ऐसी जगह पर गाड़ी खराब हो गई है जहां जंगल हो, सुनसान रास्ता हो, डरावनी रात का अंधेरा हो, आपके मोबाइल का नेटवर्क भी ना हो और मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो, मोबाइल का बैलेंस भी खत्म हो जाए, मतलब आप किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उधर से कोई भी गुजर भी नहीं रहा है, एक दो गुजरे भी तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की। आप सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक दो रात ऊपर से बदमाश और डकैतों का डर, जंगली जानवरों का डर अलग से, आप जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफी होती है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगता है, अल्लाह खुदा भगवान ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगते हैं। जुबा पर सिर्फ एक ही बात होती है, हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकालकर सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत तक मांग लेते हैं। आपका खून सूखने वाला होता ही है तभी आपको ही आपके पास आकर रुकता है, आपकी मदद करता है जिससे आपकी सही सलामत घर पहुंचाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। जहां तक मेरा मानना है उसे उस मालिक उस भगवान ने आपके पास भेजा ताकि आप उस मुश्किल उस मुसीबत से निकल सके, क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकता, वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज सकता है। एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था, वह कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर शहर जा रहे थे, वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के लिए महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया था। वे बड़े उत्साही थे तथा बहुत जल्दी ही जल्दी में वहां पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के कुछ समय बाद ही उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई जिसके कारण प्लेन हवाई जहाज आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी तथा डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोग से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया। एक टैक्सी किराए पर ली पर उनको टैक्सी तो मिली है लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय किया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गई, रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़े। लगभग दो घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए, वे थक गए और भूख भी उन्हें बहुत जोर से लगी हुई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वो गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ देरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा, उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रुकी, परेशान से होकर गाड़ी से उतरे। उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया, एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया उसके यहाँ कोई फोन नहीं है, फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए, चाय पीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आप आगे चले जाना। भूखे थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी और उस औरत ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें, उनका धन्यवाद करें। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोले मैं इन बातों का विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूं, आप अपनी प्रार्थना कर ले। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे और अपने छोटे से बच्चों के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थना की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो ना हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वो औरत अपनी पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा आपको भगवान से क्या चाहिए, क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे। उस औरत ने धीमी सुबह बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा हे मेरे लड़के, इसको कैंसर है जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन वही रास्ता बना ही देंगे, वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे, वे अवश्य मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवाकर इसे स्वस्थ करवा देंगे। डॉक्टर मार्क यह सुनकर बिल्कुल आवक रह गए। कुछ पल के लिए वह खामोश हो गए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन से कहने लगे भगवान बहुत महान है। उन्हें सारे घटनाक्रम याद आने लगे, कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी भी पड़ी, कैसे टैक्सी के ड्राइवर नहीं मिले और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहां गए। वे समझ गए यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहता था। वे भौतिक जीवन में धन कमाना, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठे और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिसके पास धन तो नहीं है लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उस लड़के का इलाज कर उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल हो, आप चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में आ जाओ, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं होना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहोगे तो आपको खुद ब खुद भगवान पर भरोसा रखो, अटूट विश्वास है तो भगवान आपकी जरूर सुनेगा, आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा। चाहे थोड़ी देर ही लगे लेकिन वह आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देगा जिससे आप उस मुश्किल और उस मुसीबत से निकल जाओगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, महसूस करेंगे तो पाएंगे जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती है और आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं, हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान पर विश्वास रखें, भगवान आपका हर मुश्किल हर मुसीबत से निकाल देंगे। अगर दोस्तों आपको ये मेरी प्रेरणादायक वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, आपका दिन शुभ है।